नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोहिनी कुशवाहा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक तांत्रिक ने घर में अकेला देख महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि गांव के ही एक ज्योतिषी रामचंद्र ने महिला को जब घर में अकेला देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने यह सभी बातें अपने पति को बताई तो मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने महिला के आरोप पर ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया है और महिला की मेडिकल जांच करवाकर जांच शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं महिला के पति और एएसपी केडी मिश्रा को। उसके साथ बलात्कार किया गया है। कहाँ थी ये? घर पे थी। घर पे किसने गलत काम किया? ये जो बाबा आता है, ये नंद जी आया, मैं तो घर में था नहीं, मैं चला गया था मार्केट में। तो वहाँ से जब मैं आया, थोड़ा अंधे टाइप हो गया था मजा से आने में, तो ये भी रो के मुझे बताने लगी, खड़खड़ाया। तांत्रिक है क्या? हाँ, मान लीजिए हाथ वाथ देखता है, पूजा पाठ करता है। हाँ, देखा है, वही खाएं। जी, आप घर में पहले भी आ चुका है? नहीं, पहले नहीं आता था घर में, और कोई नहीं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, एक छोटी बच्ची है। पता कैसे लगा आपको? ये मेरे को बताई शाम को ही। क्या बताई? वो बाबा आया था कि तो पहले भिक्षा मांग रहा था, तो ये नहीं खोल रही थी, फिर थोड़ी देर और वो किया तो खोला इसने, तो इसने हाथ पकड़ के घसीट के अंदर की तरफ इसको लेके गया। घर में और कोई नहीं था? और कोई नहीं था। फिर आपने पुलिस को बताया? हाँ, फिर पुलिस 100 नंबर आई, फिर उसके बाद फिर थाना का फोन भी आया। बाबा कहाँ है इस समय? बाबा पकड़ गया है? हाँ, हाँ, वो रात ही को उसको लेके आए घर, पुलिस वाले पकड़ ला। हाँ, कितनी उम्र है बाबा? वही 60-65। थाना के चक्कीपुर गाँव में एक रेप का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? खखरेलू थाना क्षेत्र में चक्कीपुर गांव पड़ता है, जहां पर पीड़िता के पति ने इस तरह के अपराध की सूचना दिया है। उसकी सूचना के आधार पर थाना खखरेलू पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष बयान करा करके कार्रवाई कराई जा रही है। वैसे तो देश में साधु मौलाना और धार्मिक पाखंडी हर रोज पकड़े जा रहे हैं, मगर उसके बाद भी उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। फिलहाल यह थी फतेहपुर से इरफान काजमी की खास रिपोर्ट। आप बने रहें वॉइस ऑफ इंडिया के साथ।